हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल साकिबार अनटेक पर। इस वीडियो में बात करते हैं, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में किसी भी ऐप को जब डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो आपको पेंडिंग की प्रॉब्लम सामने आती है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और ओपन करते हैं गूगल प्ले स्टोर को। ओके, यहाँ पर आप किसी भी एक एप्लीकेशन को ओपन कर लें और उसको मैं इंस्टॉल करके देखता हूँ। आप ये देख रहे हैं पेंडिंग की प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो ये जो पेंडिंग का प्रॉब्लम है, ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा तो इस वीडियो में बात करते हैं। जब ऐसी प्रॉब्लम आपके मोबाइल में हो तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के डाटा को चेक करना है और देखना है कि आपका डाटा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अदरवाइज अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है तो आप वाईफाई के कनेक्शन को चेक करें, और अगर हॉटस्पॉट से चला रहे हैं तो आप दूसरे के मोबाइल को चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसको कैसे आपका डाटा यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, चल रहा है, तो आप उसको एक बार YouTube खोल करके देख लें। इस तरह से अगर ये बफरिंग हो रहा चल रहा है, ब्राउज़ कर रहे हैं आप, तो इस तरह से आप अपने डाटा को चेक कर सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल में जाना है, और जनरल में यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर ओवर वाईफाई डाल सकते हैं, अगर मोबाइल का डाटा यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ओवर एनी नेटवर्क, ये ओवर एनी नेटवर्क, इसमें वाईफाई भी चलेगा और मोबाइल नेटवर्क भी चलेगा, और नीचे वाला जो है ओवर वाईफाई, ये सिर्फ वाईफाई के लिए, और लास्ट वाला जो है आस्क मी एवरी टाइम, तो आपको ऊपर वाला को ओके करके रखना है। ओके, ये अपडेट वाले हैं, ये ऑटो अपडेट वाला, तो उसको हमेशा आपको ऑटो प्ले, ये ऑटो अपडेट ऐप्स है, उसको हमेशा ओवर वाईफाई ओनली करके रखना चाहिए। ओके, और उसके बाद आपको चलना है, ये सब करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है एप्लीकेशन में, ओके, एप्लीकेशन में जाना है, और यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर है। ओके, यहाँ गूगल प्ले स्टोर में जाना है, और ये स्टोरेज में जाना है, यहाँ पर आपको ये क्लियर स्टोरेज कर देना है। ओके, दूसरा यहीं पर प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ से आप सर्च कर लें कहाँ पे प्ले स्टोर है। गूगल प्ले स्टोर यहाँ भी जाना है, और यहाँ पर भी स्टोरेज में जाना है। ओके, ये क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गूगल प्ले सर्विस को भी चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से क्लियर, इसको क्लियर करना होगा, यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा, यहाँ से क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर हो गया। और फिर से चलते हैं एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में, एप्लीकेशन में जाते हैं, और यहाँ पे किसी और एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे चेक करने के लिए मैसेंजर को ही मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोडिंग हो रहा है। तो इस तरीका से आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।